Before we get started, make sure you subscribe and hit the bell icon for further updates. ऑल यहाँ पर क्या है कि ऑल टेन एंड फिफ्टीन मार्क्स क्वेश्चन मतलब कि टेन मार्क्स में भी आ सकता है फिफ्टीन मार्क्स में भी आ सकता है इसलिए आप लोग हमेशा प्रिपेयर करें फिफ्टीन मार्क्स के लिए ओके फिफ्टीन मार्क्स के लिए प्रिपेयर करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा तो अभी आप लोगों के पास बहुत कम टाइम है और आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन के सिचुएशन में फंस गए हैं तो आप ट्वेंटी फाइव डेज वाले जो स्ट्रेटजी मैं बताई वो ही वही वो फॉलो करें मतलब कि आप एक एक क्वेश्चन जाना है यूट्यूब से देखना है और उसको नोट्स बना लेना है कॉपी में और उसको रिवाइज़ करना है आपको डेली थोड़ा सा मेहनत करना होगा लेकिन ये कवर हो जाएगा बहुत हद तक कवर हो जाएगा नाइन्टी परसेंट आपका सिलेबस कवर हो जाएगा और आप सेवेंटी परसेंट एटलीस्ट ले आएंगे सबसे पहले देखिए यहाँ पे सी, -सी थ्री का है यूनियन स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन इस पर आने वाला है मतलब कि आने वाला है बहुत चांसेस है कि ये वाला देगा और एक बात याद रखिएगा आप अच्छे से कि जो यूनियन स्टेट रिलेशन होता है वो कितना तरीके का होता है तीन तरह तीन तरह का होता है मतलब कि यूनियन स्टेट रिलेशन एक एडमिनिस्ट्रेशन वाला होता है मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कैसा रिलेशन है न्यू यूनियन स्टेट का और एक आपको होता है लेजिसलेटिव वाला एडमिनिस्ट्रे एडमिनिस्ट्रेशन लेजिसटिव एंड ये यूनियन फाइनेंशियल ओके ये तीनों अगर आप कर लेते हैं एकदम कन्फर्म एकदम वन हंड्रेड परसेंट आपका एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा वन हंड्रेड परसेंट अगर आप यूनियन स्टेट रिलेशन जो तीन रिलेशन आपका दिया गया है एक है आपका एडमिनिस्ट्रेशन वाला और एक है आपका फाइनेंशियल फाइनेंशियल वाला तो अभी आना इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल हो गया एक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया एक लेटिव ले हो गया ओके okay? अगर ये तीनों अगर आप पढ़ लेते हैं नोट्स हंड्रेड परसेंट आपका एक न एक क्वेश्चन इसमें से आता ही हर ईयर में आता है यूनियन स्टेट से रिलेशन से एक क्वेश्चन आता है और इस बार चांसेस ज़्यादा है फाइनेंशियल रिलेशन का तो फाइनेंशियल रिलेशन को ज़्यादा अच्छा से पढ़िए और मैं बोलूँगी आप तीनों रिलेशन पढ़ें तीनों रिलेशन पढ़ेंगे आपका एक क्वेश्चन आना ही आना है सुप्रीम कोर्ट पावर एंड फंक्शन जुडिशियल रिव्यू ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए डिस्कस द प्रोसीडियर ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो कुछ क्वेश्चन है यूनियन स्टेट रिलेशन इसमें आपको तीन नोट्स पढ़ना होगा तीन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल का ज़्यादा चांसेस है लेकिन आप तीनों पढ़ेंगे तीन मान लीजिए तीन नोट्स पढ़ रहे एक नोट्स आ जा रहा कितनी अच्छी बात है ये आएगा ही आएगा ये कन्फर्म है कि अगर तीनों अगर पढ़ लेते हैं तो एक आएगा ही आएगा ओके सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे पावर फंक्शन यहाँ पे आने का ज़्यादा चांसेस है ये आएगा मैं इतना कंफर्म नहीं बोल सकती हूँ और ये वाला अमेंडमेंट का भी इसमें है चांसेस ज़्यादा लेकिन कंफर्म नहीं है कंफर्म एक है ये है यूनियन स्टेट रिलेशन तीन रिलेशन पढ़े एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा और वैसे देखिए कोई सजेशन कोई भी सजेशन दे रहा है आपका तो फॉलो आप वैसे ही फॉलो करें कि चलो ये पाँच क्वेश्चन मिल गया और ये कर लूँगा ऐसा सजेशन नहीं होता है कि आप पाँच क्वेश्चन करके आप सारा एग्जाम क्लियर कर ले ये है कि यूनियन स्टेट रिलेशन में से एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा तो और प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको तो मैं आपको बोल चुकी हूँ देखिए आप शॉर्ट शॉर्ट करके कर लीजिए आपको सबका उतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है जो भी शॉर्ट नोट्स मिल रहा है यूट्यूब पर वीडियो मिल रहा है वहाँ से पढ़ लें और उसको क्या करें आप बना बना कर आप लिख देंगे वो तो मेन मेन पॉइंट बताएंगे ना उसको ऐड कर करके तो लिख सकते हैं आप तो बचपन में भी देखिए स्टोरी दिया रहता था इंग्लिश में कि स्टोरी का कुछ पॉइंट दे दिया जाता था कि अच्छा इसको ऐड करके लिखना है तो आप तो लिख लेते थे भी, भी लिख लेंगे ओके तीन चार वर्ड कोशिश करेंगे मतलब के प्रैक्टिस करेंगे मैं बोल दी आपको तीन क्वेश्चन पढ़े और वन क्वेश्चन जो है आप उसको रिटेन आपका प्रैक्टिस होना चाहिए प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिकली पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा और जैसे मैं बताई हूँ कि एक आप छोड़ दें मॉड्यूल वन से कोई भी एक पॉइंट छोड़ देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप वो जो मतलब कि सारा सॉल्व uh, कर पाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन तो वैसे करेंगे तो सेवेंटी परसेंट तक आ जाएगा लेकिन ये जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ ये इतना सारा तीन चार क्वेश्चन जो है यहाँ पर इसको फॉलो करने से आपका आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है तो ये वाला थोड़ा सा रिस्की है वो फॉलो करें ज़्यादा अच्छा है ये चांसेस है ये सब क्वेश्चन आने का चांसेस है यूनियन स्टेट का फाइनेंशियल रिलेशन सुप्रीम कोर्ट का तो ये क्वेश्चन पहले ही कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे अब ये है सी सी फोर के लिए सी सी फोर में है आपका मेन कॉलेशन पॉलिटिक्स इन इंडिया एनी वन पॉलिटिकल पार्टीज स्ट्रक्चर आइडियोलॉजी रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स इलेक्शन कमीशन ये जो है तीन चार क्वेश्चन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है तीन चार क्यों बोल रही देखिए आप देखे होंगे तीन क्वेश्चन है मतलब यहाँ कॉलेन पॉलिटिक्स इन इंडिया है और एनी वन पॉलिटिकल पार्टीज का भी हुआ स्ट्रक्चर देना है और इलेक्शन कमीशन है तो एनी वन पॉलिटिकल पार्टी जो है आपका उसमें आपको तीन चार पॉलिटिकल पार्टीज का पढ़ना होगा आइडियो जी रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स लेकिन एक और बात है कि इस बार थोड़ा सा पेपर ईजी होगा जैसे कि एनी वन पोलिटिकल पार्टीज अगर आपको दे रहा है क्वेश्चन में तो क्या होगा कि आप कोई भी जो भी पोलिटिकल पार्टीज़ का पढ़े होंगे उसका आंसर आप दे देंगे आराम से जैसे थोड़ा सा इस बार ईजी होगा ईजी होने का ये ये वजह है कि आप लोग जो है मतलब कि थोड़ा सा सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं हुआ था और आपको टाइम कम मिला है तो इस वजह से थोड़ा सा इजी होगा पेपर इस बार तो ये क्वेश्चन आप पहले करेंगे उसके बाद वो वाला जो है वो सब करेंगे ये सब आने का चांसेस ज़्यादा है कॉलिसन पॉलिटिक्स इन इंडियन इलेक्शन कमीशन सी सी फोर में सी सी फोर में ये वाला क्वेश्चन मैं बोलूँगी नाइन्टी नाइन परसेंट आएगा ही आएगा आइडियोलॉजी किसी भी एक पार्टी का आइडियोलॉजी आएगा, आएगा इंडियन पॉलिटिक्स में ओके तो आपको करना है तीनों का तैयारी देखिए पहले ये सब कर ले उसके बाद वो कर लेंगे जो मैं आपको बताई हूँ पूरा सिलेबस से कैसे करना है वो करेंगे सिर्फ यहीं तक आपको ऐसा नहीं कि सीमित रह जाएंगे कि ये क्वेश्चन कर ले रहा हूँ और परसेंटेज आ जाएगा वो वाला जो रोल रूल मैं पहले बोली फॉलो करने वो करें वो ज़्यादा बेस्ट है और ये वाला भी आ, मतलब कि पहले सब ये सब क्वेश्चन पहले प्रिपेयर कर ले ये सब क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओके अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें आप लोग लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है और जो न्यू इस चैनल पे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो और एक और इन्फॉर्मेशन जो लास्ट तक देखें उनके लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन ये है कि मैं थर्ड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर का जो है प्रिपेयर करवाऊंगी आपको तीन पेपर रहता है आपका थर्ड सेमेस्टर में कोई भी मैं देखिए तीनों पेपर कवर कराना पॉसिबल नहीं है कोई भी एक पेपर मैं आपका कवर करवाऊंगी और उसको मतलब कि बहुत इजी वे में बताने की कोशिश करूंगी आप लोग को ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है कॉम्पिटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वाला उसको समझने में मतलब कि आपके पास नोट्स होता है उसके बाद भी समझ नहीं आता है तो मैं कोशिश करूँगी कॉम्पटेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का ही आपको दे दूँ तो जो सी आप मतलब कि पहले ये तो दे दें सेकेंड सेमेस्टर दे दें दे. और जब थर्ड सेमेस्टर में जाएँगे तो वो वीडियो आप देख सकते हैं और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे उसका पेपर आप प्लीज़ सेंड कर दीजिएगा और सेंड कहाँ करना है वो ई मेल आई डी में कॉमेंट जो है फर्स्ट कॉमेंट इस चैनल का उसमें मैं आपको ई मेल आई डी दे दी, दे दी हूँ तो वहाँ से आप देख लें ई मेल आई डी और उसी ई मेल आई डी पर सेंड करेंगे ओके आप लोग अपना ई मेल आई डी सॉरी अपना क्वेश्चन पेपर जो है वो सेंड करेंगे ई मेल आई डी पर ओके जो भी सेंड करेंगे उसका मैं नाम लूँगी क्वेश्चन पेपर का जब बनाऊँगी वीडियो तो मैं उसका नाम लूँगी ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आप लोग प्लीज़ प्रिपेयर रहें अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर रहें और टेंशन मत ले कुछ नहीं होगा आराम से प्रिपेयर करें देखिए आपका ऐसा सिचुएशन में फंस गया ऑनलाइन ऑफ़लाइन थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है लेकिन प्लीज़ आप लोग अपने आप को माइंड को एक शांति से रख कर अच्छे से अपना एग्ज़ाम देंगे जो आएगा वो लिखेंगे और जैसे मान लीजिए इलेक्शन कमीशन है जो इसके बारे में आ रहा है वो लिखे और लग रहा है कि नहीं आप बहुत कम टाइम तो है तो आप लोग क्या करें सबका पॉइंट पढ़ ले हर एक टॉपिक का पॉइंट पढ़ ले देखिए पॉइंट वाइज रहता है तो पॉइंट पढ़ ले क्या इलेक्शन कमीशन का फंक्शन में क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है वो पॉइंट पढ़ ले उस पॉइंट से बना बना कर भी आप लिख सकते हैं ओके थैंक यू